राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के नवनिर्वाचित भवन का केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उद्घाटन किया। रायपुर सांसद सुनील सोनी की पहल पर फिर से शुरू हुआ यह संस्थान नवा रायपुर के सेक्टर 23 तूता में बना है। दिवंगत केंद्रीय जल संसाधन मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल संस्थान की आधारशिला रखी थी। उद्घाटन समारोह के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंचे, इस दृष्टि से जल जीवन मिशन के तहत काम कर रहे हैं। मिशन की व्यवस्था होनी चाहिए, वो राज्य शासन ने उपलब्ध नहीं कराया। बहुत मैं जोर से बोल रहा हूँ, इसके कारण जिन लोगों को फूड पार्क मिला था वो फूड पार्क नहीं बन सका। अब समय आ गया है कि यहाँ सरकार बदल गई है, चाहिए कि इनको जल्दी से जल्दी फूड पार्क की स्थापना करें। हम लोग चाहते हैं कि किसान धान के साथ साथ और दूसरे फसलों का उपार्जन करे, इसलिए मक्का में भी हम शुरुआत करने जा रहे हैं, गन्ना में भी हम शुरुआत करने जा रहे हैं, दलहन और तिलहन फसल के लिए भी हमारी योजना है। और कैबिनेट मंत्री